पब्लिक टीवी आपकी आवाज। महाकालेश्वर बालाजी धाम के तत्वावधान में श्री मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति के द्वारा श्री हनुमान जी जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। श्री हनुमान जी जन्मोत्सव कार्यक्रम 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आयोजित होगा। पंच दिवसीय इस भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। भूमि पूजन के कार्यक्रम स्थल को सजाने और संवारने के लिए कार्य प्रगति पर है। परशुराम चौक के पास बने पार्क में कार्यक्रम आयोजित होगा और इस बार विशेष आकर्षण रहेगा। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता ने बताया 22 अप्रैल को प्रातः 9 बजे से ऋण मुक्तेश्वर मंदिर से कलश यात्रा का कार्यक्रम होगा, जो कथा स्थल पर संपन्न होगा। तो वहीं महाकालेश्वर मंदिर सम्राट अशोक नगर से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी तथा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। तो वहीं कार्यक्रम के विषय में महंत संजय गिरी जी महाराज के द्वारा भी विस्तार पूर्वक जानकारियाँ दी गयी। मैं शैलेंद्र प्रकाश गुप्ता, महाकालेश्वर बालाजी धाम के तत्वाधान में श्री मेहंदीपुर बालाजी सेवा समिति द्वारा बाबा के जन्म उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, जो 22 तारीख से लगातार 27 तारीख तक चलेगा। 22 तारीख को सुबह प्रातः 9 बजे ऋणमुक्तेश्वर मंदिर से कलश यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, जो कार्यस्थल पर जाके समापन होगा। इसके बाद शाम को एक शोभा यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है, जो महाकालेश्वर बालाजी धाम से शुरू होकर मानसरोवर कॉलोनी, प्रकाश नगर चौराया, चरण सिंह चौक से बुद्धि विहार होते हुए कार्यस्थल परशुराम चौक के नज़दीक पार्क में समापन होगा। इसके बाद 23 तारीख से यज्ञ शाम को से कीर्तन सत्संग का प्रोग्राम रखा गया है, ये लगातार 26 तारीख तक चलेगा। उसके बाद 27 तारीख को पूर्ण आहुति के साथ एक भंडारे का आयोजन रखा गया है, जो दोपहर से प्रभु इच्छा तक चलेगा। क्षेत्र के सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम में आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, धर्म लाभ कमाएं। जय श्री राम, जय बालाजी धाम, जय गौ माता। श्री महाकालेश्वर बालाजी धाम ट्रस्ट के माध्यम मंदिर के सहयोग से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से बाबा का जन्म उत्सव बनाया जाएगा 22 अप्रैल से 27 अप्रैल तक। 22 अप्रैल को सुबह मंगल कलश यात्रा, शाम को भव्य एक विशाल शोभा यात्रा और 23 तारीख से को बाबा का जन्मदिन है, सोने का चूल्हा चढ़ाया जाएगा, शाम को 56 भोग और 23 तारीख से सुबह को 5 कुंडीय महायज्ञ आरंभ होगा। 27 तारीख को पूर्ण आहुति के साथ समापन होगा और विशाल भंडारे का आयोजन होगा, ब्रह्मभोज। क्या संदेश देंगे मुरादाबाद के लोगों के लिए, भक्तजनों के लिए, मुरादाबाद के लिए ये संदेश देंगे कि अब तो राम राज आ गया है और सब प्रभु के लिए अपने आशीर्वाद लेने आए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।